शुरू हुआ कोविड टीका उत्सव, 5 दिन में 25,000 का लक्ष्य है। कोरोना वायरस के साथ जारी जंग को निर्णायक बनाने के लिए लोगों की वैक्सीनेशन बल्क में करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत रविवार से जिला भर में 5 दिवसीय कोविड टीका उत्सव की शुरुआत भी की गई। इस उत्सव के दौरान 5 दिनों में 25,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जुगलबंदी के पीछे शुरू किए गए इस टीका उत्सव की खास बात यह भी रहेगी कि अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों में आने की मजबूरी नहीं होगी। औद्योगिक क्षेत्रों या जिन कार्यालयों में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यस्थल पर अब टीकाकरण किया जाएगा। जिला ऊना में कोरोना के पॉजिटिव मामले और कोरोना संक्रमण से मौतों के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में यह अभियान कोविड पर काबू पाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इन राज्यों से आ रहे हैं हिमाचल तो साथ लाएं कोविड की रिपोर्ट। हाई लोड वाले 7 राज्यों में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है तथा इस माह की 16 तारीख के उपरांत इन राज्यों से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। यह बात आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई सभी मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में COVID-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण उभरी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके साथ वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का होटल मालिकों तथा पर्यटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।